और फिर जब उन्होंने बोला एलिफेंट ई, तब मतलब समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसे भी होता है। स्टेज पे चढ़ते हो, आप देखते हो इतना बड़ा थिएटर, यू नो, सो वो काफ़ी एक मोमेंट टू बी अप ऑन द स्टेज। मुझे लगता है कि कहानियाँ हमें चुनती हैं। आज तक मैंने जितनी कहानियाँ मैं जरिया बन पाई हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही वो मुझे लगता है कि वो देन होती है। हमारे साथ नेटफ्लिक्स था, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। एंड उसके बाद अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन एंड उनकी जो नेटफ्लिक्स टीम है, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस हमें हैंडी आया। तो नेटफ्लिक्स के साथ ये जीत मुकम्मल हुई, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। बाकी कंपटीशन तो बहुत टफ था, एंड चार और फिल्में थी, पांच फिल्में थी हमारे साथ, एंड बहुत खूबसूरत सारी की सारी फिल्में। द से ना एक और पिक्चर थी पांचों में, तो जब द आया तो हमें लगा, और फिर जब उन्होंने बोला एलिफेंट ई, तब मतलब समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसे भी होता है, सपना इतना सपना सच्चा भी हो सकता है। एंड उस टाइम हम लोग हग करना चाह रहे थे, एंड कार्तिकी ने रीच आउट किया मुझे हग करने के लिए, और मैं कहती भागो भागो ऊपर भागो ऊपर भागो, हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर चलो। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, ऊपर चलो, बिकॉज हमें कहा गया था कि स्टेज से लेकर सीट से लेकर स्टेज तक आपके पास 45 सेकेंड्स हैं, तो हम बस भागने में लग गए। एंड बहुत एंड जैसे ही आप स्टेज पर चढ़ते हो, आप देखते हो इतना बड़ा थिएटर, यू नो, सो वो काफ़ी एक मोमेंट टू बी अप ऑन द स्टेज। जी, वो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत इनकरेजिंग है। एंड एंड ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द प्रधानमंत्री मींस द लॉट, मींस द वर्ल्ड। एंड हम अपना मैसेज कॉन्जर्वेशन का दुनिया तक पहुंचा पाए, अपने देश से शुरू करके हमारे देश में जो इतना खूबसूरत काम होता है, हम उसको दिखा पाए। जो इतना खूबसूरत काम बमन और बेली कर रहे हैं, हम उनकी कहानी कहीं ना कहीं बोल पाए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जर्नी इतनी दूर तक पहुंची और हम अपने देश के लिए प्राइड और पहला ऑस्कर इंडियन प्रोडक्शन के लिए लेकर आ पाए, वो मतलब सपनों से परे एक ख्वाब है जो सच हो गया। एज अ प्रोड्यूसर मेरा ये पहली बार था वाइल्ड लाइफ पर कुछ करना। कार्तिकी तो नेचुरल हिस्ट्री फोटोग्राफर रह चुकी हैं, एंड उसके बाद इन्होंने ये फिल्म बनाई, तो उनके ज़रिए से मैंने बहुत सीखा। बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग लगता है कि मुझे लगता है कि कहानियाँ हमें चुनती हैं। आज तक मैंने जितनी कहानियाँ मैं जरिया बन पाई हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही वो मुझे लगता है कि वो देन होती है, यू नो, वो आपको चूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम मुझे लगता है कि बमन बेली रघु अमू ने हमें चुना ये कहानी बोलने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हम चुनते हैं।